स्टूडेंट्स, आज नया चैप्टर शुरू कर लेते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। मैंने यहाँ सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग लिखा है क्योंकि हम सिर्फ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में अगली वीडियोस में मैं बात करूंगा आप लोगों के साथ। पहले इससे पहले वाले पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हम लोग एलिमेंट्स को जान चुके हैं, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे अलग अलग कंपाउंड फॉर्म होते हैं तो क्यों होते हैं, कैसे अलग अलग एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब क्यों करते हैं, क्या कारण है जो वो कंबाइन करते हैं। नोबल गैसेस की बात करें तो वो किसी से कंबाइन होती ही नहीं है, बाकी के क्यों, लिथियम किस लिए ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है, सोडियम किस लिए क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पे रिसर्च की थी, बहुत सारे आई इसमें रिसर्च निकल के, लेकिन लुईस का जो था रिप्रेजेंटेशन था वो बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल था, वही हम लोग अब इसमें स्टडी करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी एलिमेंट पॉजिटिव कर्नल के रूप में पाया जाता है। पॉजिटिव कर्नल मतलब न्यूक्लियस और जो भरा हुआ अंदर का ऑक्टेट है, बाहर वाला शेल छोड़ के, बाहर जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है वो छोड़ के जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और न्यूक्लियस, उसको मिला करके उन्होंने क्या बताया, उसको नाम दिया पॉजिटिव कर्नल। और उन्होंने कहा कि बाकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ हैं, वो ऐसे हैं जैसे मान लो एक क्यूब के कॉर्नर्स को उन्होंने पकड़ा हुआ है, घेरा हुआ है, ये क्यूब के कॉर्नर्स, इन पे पाए जाएंगे आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स, ये यहां पर, ठीक है। अब अगर हम सोडियम की बात करें, अगर ये वाला कैर्नल तो क्या, ये तो कंप्लीटली फिल्ड हो गया, 8 क्यूब्स हैं, 8 क्यूब के कॉर्नर्स हैं और 8 होल हैं। अगर मैं सोडियम की बात करूं तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो ये तो क्या हो गया, पॉजिटिव कैर्नल कंप्लीटली फिल्ड है। जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके अनुसार वो कहीं पे एक पोजीशन पे यहाँ पे मान लिया, तो अभी तो मैं इसको इरेज नहीं कर रही हूँ, तो ये क्या मानेंगे हम कि ये वाला तो एक कॉर्नर तो भरा हुआ है, बाकी के साथ तो खाली है। वही बात जो हम लोग 10th में कर चुके हैं, या तो इसको लूज करके यहाँ पे कंप्लीटली फिल्ड हो जाए या ये 7 पोजीशंस को और भरे, लूज करके, गेन करके, शेयर करके, वही वाली चीज है। अब इसको उन्होंने कैसे शो किया था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शो किया था। एलिमेंट्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सिंबल के बाहर, उसी को अगर मैं सोडियम की कहूँ तो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होगा। मैग्नीशियम की अगर मैं बात करूँ तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में है, एल्यूमिनियम की बात करूँ तो 1, 2, 3 है, ये ऐसे शो करते हैं। क्लोरीन की बात करूँ तो आउटर मोस्ट में 7 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये एलिमेंट्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर है जिनको मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को एक्सप्लेन करने की जरूरत है। हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स, उनका कैसे बने। मैंने पहले बताया वो क्या कहते हैं कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करता है, तो उन्होंने जो रूल दिया था उस रूल को हम कहेंगे ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट यानी कि आउटर मोस्ट ऑक्टेट रूल। आउटर मोस्ट शेल पहले शेल को छोड़ के, पहला शेल क्या होता है, ड्यूप्लेट, क्योंकि पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 होते हैं, तो हाइड्रोजन और हीलियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, और जनरली क्योंकि इनके ड्यूप्लेट में तो सिर्फ 2 ही एलिमेंट आते हैं, हम लोग इसीलिए ऑक्टेट रूल की बात करते हैं। कैसे पूरा होगा एक एक एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। चलो हाइड्रोजन को ले लेते हैं कि हाइड्रोजन ने अपना एक मॉलिक्यूल बनाया, कैसे बनाया, 2 हाइड्रोजन ने मिलकर के, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, ऐसे जोड़ देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी ले रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन ये भी ले रहा है, आसानी से H2 बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, आप लोगों को बताऊंगी CO2 मॉलिक्यूल का हम किस तरह से बनाए। रूल सुन लो पहले, जितने भी एटम्स हैं सारे एटम्स को लिख लो, ये बीच में एक कार्बन है, इसको 2 ऑक्सीजन ने घेरा हुआ है, ऑक्सीजन ने बाहर निकाल लिया,
हमारा मकसद है कितने इलेक्ट्रॉन्स बांटना, जितने हर एटम के आउटर मोस्ट शेल में है ना। कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 है, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 है, और ऑक्सीजन कितनी है हमारी 2 है। तो पहले हम सारे एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर लेंगे, 6 और 6 12 और 4 ऑल टुगेदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। अब हमारा क्या काम है, इलेक्ट्रॉन है हमारे 6, एलिमेंट्स है हमारे 3, इस तरह से बंटवारा करो कि तीनों को 8-8 मिल जाएं, ये उनका रूल था। तो पहला रूल सबको इकट्ठा कर लो, दूसरा रूल जो भी एलिमेंट्स है वो कम से कम एक बॉन्ड से तो बंधेगा ही बंधेगा। तो हमने यहाँ पे कितने रूल यूज कर लिए, 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए, बचे कितने हमारे पास 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा करना है, ठीक है, 12 ट्रॉफीज है आपस में बांटो, तीन दोस्तों में बांटो, तीनों को 8-8 मिलनी चाहिए। कैसे बांटेंगे ट्राई करके देखते हैं, जहां गड़बड़ होगी देखेंगे। यहां से शुरू करेंगे, ऑक्सीजन के पास ये 2 हैं, 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन की 8 पूरी हो गई, हमने यूज करे 6, अभी और हमारे कितने बाकी हैं 6, 1 2 3 4 5 6, नाइस। ऑक्सीजन के पूरे हो गए, इस ऑक्सीजन के पूरे हो गए, कार्बन के देखो सिर्फ 4 हैं, इसको 4 और चाहिए, कहां से लाए, अब भैया और शेयरिंग करनी पड़ेगी। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर हम यहां ना ले करके यहां शेयर कर ले तो ऑक्सीजन के पास भी है, कार्बन को भी मिल गए, इसी तरह से एक ये यहां से शेयर कर ले। अब देखो, अब कार्बन के 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन के भी 8, इन सब के 8। नाउ ये है हमारा लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, कार्बन डबल बॉन्ड के साथ 2 ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, और इसके पास लोन पेयर, दोनों ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। आप जानते हैं ना लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, लोन पेयर वो होते हैं जो किसी की बॉन्डिंग में यूज नहीं हुए हैं, बॉन्ड पेयर वो होते हैं जो किसी के साथ बॉन्डिंग में यूज हो रखा है, राइट। एक और एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको CO2 के बाद, चलो हम CO3 2 नेगेटिव इस मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं। कार्बोनेट है ये, पॉलीएटॉमिक आयन है, इसकी बात करते हैं कैसे करेंगे। पहला रूल, सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करके एक बैंक में डालो, कितने एलिमेंट्स है, पहले देखो ये कर लेते हैं, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये मैं शेप नहीं, शेप हमें वेस्पर थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे, लुईस आपको शेप नहीं बता पाए, बॉन्डिंग बता पाए। कितने हो गए, 4 कार्बन के, 6 6 6 18 किसके हो गए, ऑक्सीजन के, 18 प्लस 4, और ये कहाँ जाएगा, 2 नेगेटिव का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन और, प्लस 2, कितने हो गए हमारे पास ऑल टुगेदर 24 इलेक्ट्रॉन्स है। बांटना शुरू करें विदाउट एनी सेकेंड थॉट, एक एक बॉन्ड तो इनको देना ही पड़ेगा, कितने यूज हो गए 6 यूज हो गए, बचे कितने 18 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 18 को इन चारों में बांटो के कितने आ जाएं 8-8 हिस्से में आ जाए। बांटना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 हो गया। अब क्या, कार्बन के पास तो 6 ही, कार्बन के पास 3 ऑप्शन है, इसको भी बोल सकता है मुझे अपने तू 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले, ऐसा भी हो सकता है, इसको भी शेयर करवा सकता है, या फिर वो इसको भी शेयर करवा सकता है, किसको शेयर करवाएगा वो बाद में बात करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ सिंगली बॉन्डेड है और 1 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ये कहां जाएगा, ये भी तो हमें दिखा रहा है ना कि इसने इलेक्ट्रॉन ले रखा है, तो इस पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को स्क्वायर ब्रैकेट में रखे 2 नेगेटिव से हम इसको शो कर देंगे। और एग्जांपल्स आप लोग देख लें इसके बना करके, आसानी से बना लोगे। बस पहला रूल ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा करो, ऐड करो, सारे एलिमेंट्स को कम से कम एक बॉन्ड से जोड़ो, और सबको 8-8 इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए, चाहे सिंगल बॉन्ड से मिले, चाहे डबल से मिले, चाहे ट्रिपल बॉन्ड से मिले। ये आप लोगों ने इसके बारे में आगे कंप्लीट करना है। नाउ ऑक्टेट रूल रूल के बाद एक और आता है जिसे हम कहते हैं फॉर्मल
चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है? जब कोई मॉलिक्यूल बन गया उसमें अलग अलग एलिमेंट्स हैं, किस पे कौन सा चार्ज आएगा। से फॉर एग्जाम्पल ओजोन का एग्जाम्पल लेते हैं, आपकी बुक में भी है, ओजोन इज O3। पहले तो इसका हम बना लेते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ओजोन का जो स्ट्रक्चर होता है ना सीधा नहीं होता, इस तरह से होता है। क्यों होता है वह स्ट्रक्चर में जानेंगे, अभी हम सिर्फ इतना जान लेते हैं। तीन ऑक्सीजन है तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 18 में से चार यूज कर लिए, बाकी कितने बचे हमारे पास? 14 को बांट दो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ना, इसके पूरे हैं, इसके पूरे हैं, इसको कितनी कमी है? दो। कोई सी भी एक ऑक्सीजन इसको बांट ली। ये ऐसे भी हो सकता है ये भी हो। वो रेजोनेंस के बारे में जब हम बात करेंगे तो मैं बताऊंगी कि इससे लेकर या दोनों से ही वो शेयर करेगा, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। फिलहाल एक स्ट्रक्चर ओजोन का ये होता है, दूसरा स्ट्रक्चर ओजोन का ये होता है। इन दोनों में से कोई सा भी एक स्ट्रक्चर लेकर के अब हम इसका फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करते हैं। चलो इस वाले का कर लेते हैं। इस एटम को नंबर 1 नाम दे देते हैं, इस एटम को नंबर 2 नाम दे देते हैं, इस एटम को नंबर 3 नाम दे देते हैं। इस पे कितना चार्ज होगा, इस पे कितना होगा और इस पे कितना चार्ज होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। अब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो आपको समझ में आएगा। माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। ये है फॉर्मूला। कैसे करेंगे अभी समझाती हूँ तब समझ में आएगा। क्या करते हैं, फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर लेते हैं पहले वाले एटम का। पहले वाले एटम को क्या देंगे, देखो हम क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम। ऑक्सीजन है तो कितना होगा टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 6। माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 और 2, सिर्फ 2 ही हैं। माइनस हाफ, क्या माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 इनटू 6। चार्ज आ जाएगा आपका +1। क्या आ गया इसके चार्ज? +1। नाइस। सेकेंड एटम का कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड एटम में भी वही करेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन है तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6। माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4। -4 माइनस हाफ इनटू टोटल नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4। तो आंसर कितना आएगा इसका? 0। यानी कि इस पे चार्ज आ गया, कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज 0 है। ठीक है, चार्ज आ गया 0। कौन से वाले पे? सेकंड वाले पे। थर्ड वाले को और कैलकुलेट कर लेते हैं। 6 आएगा, नो डाउट ऑक्सीजन है। माइनस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6। -6 माइनस हाफ इनटू बॉन्डेड कितने हैं? 2 है, 2। तो चार्ज कितना आ गया? -1। इस वाले पे चार्ज आ गया -1। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल में हर एटम पे क्या चार्ज होगा कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ऑक्टेट रूल को खत्म करती हूँ लिमिटेशन बताने के साथ साथ। ऑक्टेट रूल बहुत अच्छी तरह जा रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड्स के लिए, एकदम परफेक्ट फिट हो रहा था, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे थे जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी चले जा रहे थे, बड़े स्टेबल थे। जैसे पहला लिमिटेशन था इनकम्प्लीट ऑक्टेट। कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे
जिनका आउटर मोस्ट ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा था, लेकिन वो जो कंपाउंड एलिमेंट्स थे, सॉरी वो कंपाउंड ऐसे थे जिनका ऑक्टेट पूरा नहीं हो रहा था बट वो स्टेबल थे। जैसे एग्जांपल लेकर के देखते हैं, हम एग्जांपल ले लेते हैं BeH2 का, बहुत मजेदार एग्जांपल है BCl3 एग्जांपल, दोनों का लेकर के देखते हैं। देखो शेयरिंग उतनी ही होगी जितने इलेक्ट्रॉन एक एलिमेंट दे सकता है। इससे पहले हमने जितनी बात की, सबके पास चार से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे तो चारों शेयर कर सकते हैं, लेकिन किसी के पास बेरिलियम के पास अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ही दो हैं, एक और एक, तो ये दो से ज्यादा शेयर नहीं कर सकता। क्या करेगा, एक तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर कर लिया, एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ शेयर कर लिया, हाइड्रोजन का क्वाड्रुप्लेट बन गया, लेकिन बेरिलियम को तो चार ही इलेक्ट्रॉन मिले, बट येट इट इज स्टेबल। इसकी करके देखें BCl3, बोरोन के पास तीन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो शेयर सिर्फ तीन कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम इसके पास सिक्स हो सकते हैं तीन क्लोरीन के साथ। क्लोरीन का तो हो गया आपके पूरा, एक और क्लोरीन, लेकिन बेरिलियम का सॉरी बोरोन के पास तो सिर्फ छह इलेक्ट्रॉन आए, येट इट इज स्टेबल। तो ये लिमिटेशन पहली इनकम्प्लीट ऑक्टेट की लिमिटेशन के कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके साथ अगली लिमिटेशन है, तीन लिमिटेशन होती है इसकी, अगली लिमिटेशन है ऑड इलेक्ट्रॉन। ये कहानी कहां जाके बनेगी, देखो जहां नाइट्रोजन जैसा कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, पांच, वो गड़बड़ करेगा। एग्जाम्पल देखो NO स्टेबल है ना, बिल्कुल स्टेबल ऑक्साइड नाइट्रोजन की, इसका बना करके देखते हैं हम लोग। देखो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में एक बॉन्ड बना दिया, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, छह और पांच, ग्यारह, एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस। अब देखो नाइट्रोजन के पास पांच इलेक्ट्रॉन फिलहाल है, अगर ये दोनों भी दे देगा सात होंगे, आठ किसी कीमत पे नहीं हो सकते। ये जो एक अकेला इलेक्ट्रॉन है बड़ा पंगा कर रहा है, बट येट इट इज वेरी मच स्टेबल। ये ऑड इलेक्ट्रॉन का एग्जांपल है। इसी तरह का एग्जांपल हो जाता है NO2 का। NO2 भी अगर हम बना करके देखें तो मैं बना कर दिखा देती हूँ आप लोगों को, NO2 क्या करेंगे, छ और छ बारह, और पांच कितने हो गए, सत्रह, 17 इलेक्ट्रॉन्स, फिर से गड़बड़ोगी देखना, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह एक सत्रह। अब आप इसको चाहे डबल बॉन्ड दे दो, कोई दिक्कत नहीं, डबल बॉन्ड दे दिया, कितने हो गए, छ और एक सात, ये एक और दे देगा तो दो हो जाएंगे, आठ तो किसी कीमत पे नहीं होंगे। ये एग्जाम्पल हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन का, NO2 इज वेरी स्टेबल गैस, है ना। तो ये एक ऑक्टेट रूल की लिमिटेशन आ गई। एक और मजेदार लिमिटेशन है, थर्ड है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। हम तब से बात कर रहे हैं आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसमें आठ से कंपाउंड ऐसे जिसमें आठ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, वो भी स्टेबल है, जैसे SF6 सेंट्रल एटम सल्फर है, छह फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो छह के साथ कम से कम एक एक बॉन्ड तो बनेगा ही बनेगा ना, और ना जुड़ेगा कैसे फ्लोरीन, तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, देखो जरा S4 फ्लोरीन 6 फ्लोरीन, देखना जरा सल्फर के कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लेकिन ये तो बहुत स्टेबल है। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल है PCl5, पांच क्लोरीन से जुड़ेगा फास्फोरस, तो कम से कम कितने बॉन्ड बनाएगा, पांच बॉन्ड तो बनाएगा ही बनाएगा, पांच बॉन्ड बनाए बिना पांच क्लोरीन से कैसे जुड़ेगा, कितने हो गए इसके पास, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये लिमिटेशंस में आ गए एक्सपेंडेड ऑक्टेट। बहुत अच्छी थ्योरी थी, आज भी हम लोग इसी को फॉलो करते हुए बहुत जगह आगे चलते हैं, लेकिन इस थ्योरी ने स्टेबिलिटी को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ऑक्टेट रूल ने, दो चार लिमिटेशन छोड़ करके बहुत अच्छा स्टेबल रूल है ये, बट स्ट्रक्चर्स और शेप के बारे में ये हमें नहीं बता पाए।
शेप के बारे में बताएंगे वेस्पर थ्योरी और हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। अगले वाले टॉपिक्स में मैं उनको कवर करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय, कीप स्टडी एंड कीप इट।